उज्जैन में कंट्रोल के चावल की कालाबाजारी उजागर हुई है, जहां गरीबों को मिलने वाला पीडीएस का चावल फुटकर व्यापारी कमलेश भदौरिया द्वारा 21 बोरी टेम्पो में भरकर फ्रिंगज स्थित जाल सेवा स्कूल के सामने अशोक नगर पर बेचने पहुंचा। बड़े व्यापारी मनीष कुमार खत्री के गोडाउन पर चावल खाली कर रहा था, तभी सूचना मिलने पर खाद्य विभाग की टीम, सहायक आपूर्ति अधिकारी उज्जैन श्री राम बर्डे एवं मोबाइल द्वारा चावल के भागते हुए टेम्पो को पकड़ा और पंचनामा बनाया गया। गौरतलब है कि चावल के यह गोरख धंधा उज्जैन जिले में बड़े पैमाने पर फल फूल रहा है और कंट्रोल की दुकानों का चावल की काला बाजारी की जा रही है। प्रशासन को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। आपके सामने ये खड़ा हुआ है, हमने देखा ये एक लेडी वाहन है, इसमें कोई कमलेश वगैरह मुख्य उपस्थित नहीं पाया गया। उसे पूछा तो उन्होंने कोई दरगाह आगे रोड पे वहाँ फुटपाथ की दुकान लगाता है, लोगों से बच्चे लोग खरीदता है, इस प्रकार का बताया। उसका हमने किसी प्रकार का बिल वगैरह मांगा तो उसे बिल वगैरह प्रस्तुत नहीं किया गया। उसमें कितने कुंटल चावल था? लगभग आटो में लोड है, लगभग 21 बोरियाँ बोला है, एक बोरे 40 से 45 किलो का वजन होना बताया। अच्छा, इसमें ये चावल कहाँ पर खाली हो गया था? खाली जैसे आप लोगों ने बताया है कि यहाँ मनीष जी करके यहाँ दुकान है, यहाँ पे खाली हो रहा है। अच्छा, कितने कट्टे हैं सर? 21 कट्टे हैं। इस पर आगे क्या कार्रवाई करेंगे आप? अभी तो हम ये शासकीय योजना के आशक का कारण जो ऑटो है और उसमें जो लोड है चावल 21 बोरी है, इसको जब्त कर लिया है और आगामी की कार्रवाई करते रहेंगे।